बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, और ये रेसिपी जो है सर्दियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। ख़ासकर लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और जो है मर्द हज़रात भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपको इंतज़ार कराए बगैर, और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये तो आपने देख ही लिया होगा जी। तो आज मैं आपके लिए पंजीरी लेके आई हूँ, पंजाब की सौगात, पंजीरी की रेसिपी, और बहुत ज़बरदस्त आज पंजीरी बनने जा रही है। और आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स देख लिए होंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये कितनी कितनी मिकदार में हम लोग पंजीरी में डालेंगे और कैसे ये पंजीरी बनेगी। तो जी शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने अखरोट लिए हैं। यहाँ पर अखरोट हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम है। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, और जी तो यहाँ पे हमने किशमिश 125 ग्राम लिए हैं, 125 ग्राम हमने छुहारे लिए हैं। आपने खजूर का ऐड नहीं करना, छुहारों का इस्तेमाल इसमें करना है। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, गुड़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त गुड़ है, ये देसी गुड़ है, और आप लोगों ने भी यही लेना है। इससे पंजीरी में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। सख्त वाला गुड़ नहीं लेना, बिल्कुल नर्म वाला और अच्छी क्वालिटी का गुड़ आपने लेना है। और यहाँ पर हमने चारों मग्स लिए हैं 125 ग्राम, 100 ग्राम हमने नारियल लिया है और इसको पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम हमने पिस्ता लिया है, 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं, यहाँ पे 50 ग्राम हमने गोंद कतीरा लिया है, जो कि आप देख सकते हैं ये इस किस्म का है। और यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी इसमें। और यहाँ पे हमने आधा किलो 500 ग्राम देसी घी लिया है, जिसमें ये पंजीरी तैयार होगी। तो चलें अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो कूट लेती हूँ अच्छी तरह से, और कूटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे जी। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो मैंने अच्छी तरह से कूट ली हैं, और आपने भी इसी तरह इनको या तो ग्राइंड कर लें, और या फिर इनको मोटा मोटा इस तरह कूट लें। मैंने इनको हाथ से कूटा है, मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया। आपने भी इसी तरह देख सकते हैं आप, ये बादाम को भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, किशमिश को हमने इसी तरह ही रहने दिया है, और छुवारों को हमने छोटा छोटा गुठलियाँ निकाल के कटिंग इसकी कर ली है, इसको पीसना नहीं है। और बाकी तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है वो कूट लिया है, और गुड़ को भी अच्छे से पीस लेना है, पिस्तों को भी, चार मगज भी आप देख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से कूट लिए हैं। अब हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई लिया, और कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। देसी घी जैसे ही हमारा पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो हम इसमें गोंद डालेंगे, और ये मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो अब आप देख सकते हैं कि घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये गोंद जो है ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छे से इतना भूनना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जी तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने गोंद कतीरे को जो है वो अच्छे से घी में भून लिया है, और ये कितना फूल चुका है आप देख सकते हैं इसकी शेप, ये बिल्कुल फूल चुका है। और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसका भी अच्छे से बारीक पाउडर बना लेंगे, तो मैं इसका पाउडर बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने गोंद कतीरे को अच्छे से पीस लिया है और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। तो चलें अब जो है हम पंजीरी बनाना शुरू करते हैं, और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं मुकम्मल कि ये कैसे बनती है। बहुत ज़बरदस्त जो है ये होती है, और चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आधा किलो घी
घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसमें सबसे पहले जो है पिसा हुआ गुड़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं पिसा हुआ गुड़, ये अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। अब हम गुड़ को अच्छे से घी में मेल्ट करेंगे। जैसे ही हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करें जी। जी तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है घी में। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जी, तो अब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसके अंदर छुआरे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब हम छुआरों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे घी में ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। और मैं अब आपसे 1 से 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे छुआरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं घी में और गुड़ में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर काजू ऐड करेंगे, कुटे हुए काजू, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे घी में। ये बहुत ज़बरदस्त पंजीरी बनती है, आप लोग भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की होती है और सर्दियों में तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अब हम 1 से 2 मिनट के लिए काजू को भी अच्छे से फ्राई करते हैं। जी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, काजू को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर पिस्ता ऐड करेंगे, कुटा हुआ पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही हम इसके अंदर किशमिश ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चारों मग्स ऐड करेंगे, कुटे हुए चारों मग। साथ ही हम इसके अंदर अखरोट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसके साथ ही हम इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे, कुटे हुए बादाम। साथ ही हम इसके अंदर पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को आप लोगों ने बिल्कुल धीमा रखना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। अगर आप लोग आंच को तेज़ करेंगे तो तमाम चीज़ें जल जाएंगी और इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे जी। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये पिसा हुआ गोंद कतीरा 50 ग्राम, और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गोंद कतीरा को जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो पकाएंगे धीमी आंच पे अच्छे से ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और उनमें कच्चापन ना रहे और अच्छे से भुन जाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप लोग भी मेरे इस तरीके से ज़रूर पंजीरी घर में बनाएं और खाएं, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, आपके जिस्म को ताकत देती है, तवानाई देती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये सर्दियों के लिए। आप लोग भी ज़रूर इसको बना कर और जो है वो इन्जॉय करें सर्दियों को। तो अब मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ, इसको 10 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे।
जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो पंजीरी फाइनल हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से भून लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है खाने के लिए। और अब ये जैसे ही हल्की सी ठंडी होती है तो मैं इसको प्लेट में डिश आउट करती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पंजीरी की फाइनल लुक है, मैंने प्लेट में डिश आउट कर दी है। बहुत ज़बरदस्त ये पंजीरी बनी है और सर्दियों में बहुत मज़ा देती है ये। इससे इसके खाने से आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, आपके दिमाग को ये ताकत देगी, आपके जिस्म में ताकत पैदा करेगी। ख़ासकर लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी है, उनको ज़रूर ये बना के इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दियों में। ये आपकी सेहत को जो है वो बहुत ज़बरदस्त बना देती है, आपके दिमाग को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बना देगी, तरोताज़ा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। और बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल के को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, और जाते जाते मैं आपको पंजीरी टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की जो बनी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, और चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ बहुत मज़ा देती है। आप लोग भी इसको मेरी रेसिपी के साथ बनाइए और सर्दियाँ इंजॉय कीजिए। मिलूंगी मैं आप साथ एक और ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।